नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा और आपके अपने डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों स्तंभों के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी घूमती है और इन चारों उद्देश्यों को पूरा करता है आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि अगर कोई रोगी है तो वो इन चारों उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाता और उसे अपने जीवन में जरूरत है आरोग्य की। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी ये नई सीरीज जिसका नाम है आरोग्य। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि हम आपको उपलब्ध करवा सके आयुर्वेदिक उपचार दूरभाष के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इन बातों की पूर्ति अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई भी समस्या है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं, पर्सनल ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है जिसमें बेस्ट सेलर्स इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और दर्शकों, आपको बता दें कि हम आपके लिए नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है आरोग्य। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन उद्देश्यों की पूर्ति आप अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, आप जानेंगे आज के एपिसोड में। तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, चाहे वो सर्दी खांसी बुखार हो या और भी कोई गंभीर समस्या, आप हमें कॉल कर सकते हैं 01294088152 और डॉक्टर प्रताप चौहान आपको देंगे आयुर्वेदिक उपचार, साथ ही साथ टिप्स भी। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर चौहान पूरे विश्व में मशहूर है अपने टिप्स के लिए एंड ऑफ कोर्स हिज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आरोग्य, इसका क्या तात्पर्य है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, आरोग्य शब्द जो है अपने आप में ही इसका एक मीनिंग बड़ा क्लियर है। रोग कहते हैं बीमारी को जी, और आरोग्य उसके आगे आ लग जाने से मतलब वो व्यक्ति जो रोगी ना हो उसको हम कहते हैं आरोग्य। और आरोग्य का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि पूरा जो ये मानव जीवन है, जिसको कि हम मनुष्य जीवन कहें या ह्यूमन बीइंग का एक पूरा जो जीवन है, इसमें हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि चार मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके होते हैं, चार पुरुषार्थ इनको बोलते हैं जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये चार उद्देश्य जो है अगर मनुष्य जीवन में हमने पूरे नहीं किए तो हमारे इस मानव जन्म का कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है उसका। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया गया है जी। और बहुत आवश्यकता है कि इन सब को कैरी आउट करने के लिए, इनको पालन करने के लिए, इनको निभाने के लिए हमें जो है हेल्दी रहना जरूरी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब हेल्दी नहीं होगा, कोई बीमारी उसको आ जाए, चाहे छोटा सा जुकाम हो, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे जोड़ों में दर्द हो, तो ना तो धार्मिक कार्य हम कर सकते हैं
ना पैसा कमा सकते हैं, ना एंजॉयमेंट कर सकते हैं, ना मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो धर्म वाला और केवल मोक्ष वाला जो मार्ग है, ये भी आयुर्वेद में मना किया है। उसमें कहा कि सारी चीजों को हमें पालन करना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको हमें पूरा अच्छी प्रकार से रहना है, और उसके लिए आरोग्य रहना बहुत आवश्यक है। जी, इसी के साथ हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं। जी हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैं लखीमपुर खीरी से आरती शर्मा। हाँ जी प्लीज बोलिए, क्या समस्या है आपकी? मेरा यूरिनरी का प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है मेरे यूरिनरी। अच्छा देख। हेलो। हाँ जी यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है? नहीं बढ़ा हुआ नहीं है डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाह रही हूँ मेरा यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है और एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ जी। तो ये ठीक हो जाता है और उसके बाद फिर हो जाता है। इसमें जो एक बड़ी सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, हम बार बार अपने शो में आप लोगों को प्रेरित भी करते हैं और समझाते हैं कि कोई चीज जब ठीक हो जाती है फिर दोबारा हो जाती है, फिर आप इलाज करते हो फिर ठीक हो जाती है लेकिन फिर दोबारा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उसकी जो जड़ है, उसकी जो रूट है, उसको अभी तक आप टच नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई पौधा है उसको ऊपर से काट दो फिर उग जाएगा, फिर ऊपर से काट दो, जैसे घास काटते हैं ना, घास बड़ी हो जाती है उसको काट देते हैं फिर उग जाती है फिर काट देते हैं। तो वो जब तक उसको जड़ से नहीं निकालेंगे तब तक वो आपका परमानेंट क्योर नहीं होगा। और उस जड़ को निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि हम आयुर्वेदिक तरीके से अपने रोग को समझें। हम बार बार आपको प्रेरित यही करते हैं कि रोग को समझिए कि क्या उसका रूट है, वात पित्त कफ कहाँ कौन सा दोष ज्यादा बढ़ गया है, और उसको फिर आप बैलेंस करिए। मैं डॉक्टर साहब एक चीज जानना चाह रही थी आपसे, क्या आयुर्वेदिक में इसका परमानेंट क्योर? बिल्कुल है? बिल्कुल परमानेंट क्योर है, आप चिंता नहीं करिए। आयुर्वेद में तो बहुत कुछ है और इसीलिए हम जो है दवाओं के द्वारा है या श्रोत शुद्धि जो आप क्या करते हैं? हाँ नहीं, दवाइयाँ भी होती हैं हमारे यहाँ, पंचकर्म भी होता है, कई प्रकार की चिकित्साएं, लेकिन सबसे पहले मेरा निवेदन यही रहेगा कि हाँ, थोड़ा सा आप एक जो ना हमारे जो ये हम फोन नंबर बताते रहते हैं इस हाँ, पर जो है किसी दिन शो के बाद में पूरे हाँ, डिटेल्स आप अच्छी तरह से लिखवाइए, हमारे डॉक्टर्स वहाँ होते हैं उनको हाँ, पूरा डिटेल लिखवाइए, पूरी हिस्ट्री आपकी ली जाएगी। उसके हाँ, बाद आपको अगर आप खुद भी नहीं आ सकते हमारे यहाँ तो हम आपके घर पे आपके द्वार पर सीधा आपकी दवाइयाँ भिजवा देंगे और हमारे डॉक्टर्स आपको हर 15 दिन बाद फॉलोअप करेंगे खुद। तो एक तरह से आपके घर बैठे जो है आपके यहाँ से डॉक्टर प्रेमलता जी हैं उनसे कॉन्टेक्ट है। बस तो बस फिर बहुत अच्छी। मेन चीज ये है ना कि अगर मेरा वहाँ पर आने पर ही इलाज हो सकता है, दवा वाला तो आप पैकेज भेज सकते हैं लेकिन जो बाकी पंचकर्म चिकित्सा है वो तो वहाँ आने पर ही। हाँ, पंचकर्म अब तो आपको पंचकर्म चिकित्सा से ये संभव है परमानेंट क्योर, तो मैं आ भी सकती हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए पहले हम आपको यही कहेंगे, पहले आप दो चार महीने आप औषध सेवन करें। हाँ जी, मुझे उम्मीद है उसी में आपका रोग नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे डॉक्टर स्वयं ही आपको एडवाइस करेंगे, आप पंचकर्म के लिए आ जाइए। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी थैंक यू डॉक्टर। अच्छा थैंक यू हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए, गुड बाय। धन्यवाद बाय बाय। तो डॉक्टर साहब आपने इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया कि इनके रोग का उपाय क्या है एंड शी साउंडेड रियली सिक्योर। इसी के साथ मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग भी इस मौके का लाभ उठाइए, डॉक्टर एट योर डोर स्टेप, ये सुविधा आपको वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगी। 24/7 हमारे डॉक्टर्स आपके लिए अवेलेबल है, बस आपको फोन उठाना है और नंबर गुमाना है 01294088152 और आपके लिए उपलब्ध है आयुर्वेदिक उपचार। तो डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपने बड़े अच्छी तरह से समझाया कि आरोग्य क्या है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि आज का जो युग है कलयुग जिसे हम कहते हैं, तो इस युग में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को हम कैसे इसकी पूर्ति कर सकते हैं? देखिए युग तो जरूर बदला है, टाइम बदला है, पिछले 50 साल में बहुत चेंज आया है, लेकिन जो ये मनुष्य जिसको हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं ये थोड़ी बदला है, इसका डिजाइन तो सेम है जी। ऐसा थोड़ी है कि अभी हमारे 2 दिल हैं या 5 किडनीज हैं या 4 टांगे हैं, वो तो सेम है एग्जैक्टली जैसा 5000 साल पहले था मनुष्य का ढांचा, आज भी ऐसा ही पंच तत्व से बना है। तो इसी मनुष्य के लिए, इसी ह्यूमन बीइंग के लिए ये 4 पुरुषार्थ लिखे गए थे, तो आज भी वही मनुष्य। समय बदला है, एक्सटर्नल सिचुएशन बदली है, लाइफस्टाइल बदला है, काम करने के तरीके बदले हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का वो कैसे बदलेगा, हम तो वही हैं जी। तो धर्म आज भी हमें करना पड़ेगा,
धर्म का मतलब क्या होता है कि ड्यूटी क्या है आपकी। आज भी हमें अर्थ तो कमाना ही पड़ेगा, आज भी एंजॉयमेंट काम जिसको हम बोलते हैं, इच्छा हमारी आज भी, डिजायर्स आज भी हैं, मोक्ष प्राप्ति आज भी है, तो इससे समय का कोई कनेक्शन नहीं होता है। क्योंकि ये जो बेसिक सिद्धांत हैं आयुर्वेद के जी, ये समय के साथ बदलते नहीं है, सिद्धांत वही रहते हैं, लेकिन उनको हमें प्रैक्टिस कैसे करना है ये थोड़ा सा हमें जो है उसमें फेरबदल करना पड़ता है जी। हमारे यहाँ प्राचीन जो शास्त्र हैं, आयुर्वेद हैं और वैदिक शास्त्र हैं, उसमें बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हर चीज का दिया गया है, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि ना कोई इन चीजों को पढ़ाता है, ना कोई पढ़ने वाला है, और जानने वाले भी बहुत कम रह गए हैं अभी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल कोई लोग कुछ भी इसको इंटरप्रेट करके वैसे ही समझा देते हैं। कुछ लोग जो है अभी इसको जो काम की बात चल रही है, जैसे काम धर्म अर्थ का, काम या तंत्र या सेक्स, इसको ही धर्म बना दिया कि इससे भी आप स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। वो पार्ट है हमारे वेदों में, लेकिन उसका तरीका क्या होता है, उसके जो ट्रेनर्स जो थे, उसके टीचर्स जो गुरु लोग थे वो नहीं है, दुर्लभ। इसलिए हमारे यहाँ जीवा इंस्टीट्यूट में हमने एक विशेष विंग तैयार किया है इसका, एजुकेशन का जी, जिसमें हम इस प्रकार के काफी सारे कोर्सेज भी कराते हैं। और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जो प्राचीन नॉलेज है उसको आज के युग में लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि वो उसको लेकर के उस नॉलेज को अपने जीवन को पूरा एंजॉय कर सके जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर है जी। हेलो, नमस्कार जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं तपन, बैंगलोर से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरा ये समस्या है, मेरे वाइफ का तो लास्ट पांच महीने से उसका ठंडा और जुकाम का प्रॉब्लम है, मतलब गले में दर्द है और नाक में रहता है, और उसको ये नोबलने का प्रॉब्लम है। अच्छा, देखिए ये जो आप लक्षण बता रहे हैं ना, हम आयुर्वेद में हमेशा आपको यही बार बार प्रेरित करते हैं कि हमेशा रोग का कारण समझिए, डॉक्टर के पास जाएंगे। जनरली कई बार बोलते हैं आपको एलर्जी हो गई है, तो एलर्जी बड़ा अच्छा शब्द है, बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है हमें पता नहीं, आज तक समझ नहीं आया। तो हमारे यहाँ आपको हम कारण बताते हैं। ये जो आपने लक्षण बताए इससे थोड़ा सा मुझे जो अभी संकेत मिल रहा है वो ये है कि आपकी पत्नी को पित्त की अधिकता है, गर्मी ज्यादा हो गई उनकी बॉडी में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बड़े सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि छींकें आती हैं, कोल्ड होता है, तो लोग समझते हैं कि शायद ठंड ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये गर्मी के लक्षण है। क्योंकि आपने कहा कि जलन भी होती है, तो इसमें एक नुस्खा मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा नुस्खा है। आप थोड़ी ताज़ी अदरक ले लीजिए, करीब एक चम्मच जो है ताज़ी अदरक, आधा चम्मच जो है अपना ये जो काली मिर्च का पाउडर, हाँ जी, और चौथाई चम्मच आप ले लीजिए मुलेठी, या ऐसा करिए थोड़ा इसको उल्टा करो, आधा चम्मच मुलेठी और चौथाई चम्मच काली मिर्च, वो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ा काली मिर्च ज्यादा गर्मी करेगी जी। डॉक्टर साहब, उनका मतलब नाक बंद रहता है, मतलब तभी आप ये पिलाइए, आप उनका देखिए चमत्कार, इसका नाक भी खुलेगा और जो है छींके भी नहीं आएंगी, और गला भी खराब नहीं होगा, जलन भी नहीं होगी। बहुत बढ़िया नुस्खा मैंने आपको बताया, एक महीना इसका सेवन करें, उसके बाद हमारे इसी नंबर पर संपर्क करके अपनी रिपोर्ट बताएं। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय बाय। तो डॉक्टर साहब, आपने इन्हें बहुत अच्छा उपचार बताया, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे दर्शक जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी इससे काफी लाभ मिला होगा जी। और इसी के साथ अब वक्त है एक ब्रेक का जी। तो दर्शकों, हमारा फोन नंबर है 01294088152। अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्लीज कॉल अस, क्योंकि हमारे साथ है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो आपको ले जा रहे हैं अज्ञान के अंधेरे से दूर, आयुर्वेद के ज्ञान के प्रकाश की ओर। हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का, और आप इंतजार कीजिए हमारा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।